तनुजा के साथ आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। घर में लगी आग में निधि, विधि और तनुजा घिर जाते हैं, लेकिन तनुजा समझदारी और हिम्मत से विधि की जान बचा लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तनु मुसीबत में सबकी मदद किया करती थी। दूसरी तरफ बेदी परिवार में आज बड़ी खुशी का माहौल है। इतने सालों बाद ऋषि ने शादी के लिए हाँ जो कर दी है। मुबारक हो जी, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो सुंदर जी। वाह वाह वाह। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो आई थिंक ये था कि किसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 18-20 सालों के बाद फाइनली वो किसी रिश्ते के लिए हाँ कहेगा। पूरी फैमिली के लिए शौक है, लड़की के लिए भी शौक है। आई थिंक लड़की बहुत शौक थी, तो आई थिंक आई एम श्योर इसके पीछे कुछ इंटरेस्टिंग बहुत एक रीजन होने वाला है जो मैं अभी नहीं रिवील कर सकता हूँ। ऋषि ने हाँ तो कर दी, लेकिन तनु की यादें आज भी उसके दिल में ताजा हैं। तनु का साथ छूटने का दर्द अब भी उसे सता रहा है। हल्का सा एक तरह से ही वाज रिमेम्बरिंग तनु, बट वो एक्चुअली तनुजा जो है अभी जो तनु बनकर आई हैं उनका ड्रीम सीक्वेंस था जिसमें वो देखती हैं ऋषि और किसी लड़की को साथ में। अब वो लड़की हो सकता है तनु हो या तनुजा हो, वो उनका ड्रीम सीक्वेंस था। सो शी वाज इमेजिनिंग, नॉट ऋषि। अच्छा, तो ये ऋषि की नहीं बल्कि तनुजा की ड्रीम सीक्वेंस है जहाँ वो ऋषि के साथ किसी को देखती है। ख्वाबों में तो तनुजा को ऋषि और तनु साथ दिखाई देते हैं, लेकिन दर्शकों को इंतजार है ये देखने का कि तनुजा को ये कब पता चलेगा कि दरअसल ऋषि की तनु कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। मैंने अभी तक तनुजा के साथ कोई सीन नहीं किया है जो नई तनु है, बट मुझे सुनने में आया कि बहुत जल्द आई थिंक हमारी शूटिंग स्टार्ट होगी साथ में, और आई थिंक एक बार होगी तो आई थिंक आई एम श्योर इट बी अ चेंज फॉर द व्यूअर्स आल्सो। देखते हैं आगे क्या होता है, आई एम श्योर आगे कुछ कहानी में ट्विस्ट तो आएगी। वैसे हो तो ये सकता है कि जल्द ही तनुजा ऋषि की शादी के चलते मुंबई पहुंचे और पहली बार ऋषि से उसका आमना सामना हो, और हो सकता है कि यही से कहानी में वो ट्विस्ट आएगा जिसे देखने का इंतजार है। मुंबई से वंदना शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।